भैया मैम मैम ये हेलो, अगर मैं यहाँ आई हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरा मिर्ची अवार्ड से बहुत लंबा संबंध रहा है। अगर मिर्ची अवार्ड 14 साल का है तो मैं भी 14 साल की हूँ। और मैं ये कहूँगी कि म्यूज़िक का ये सबसे बढ़िया अवार्ड है। सारी जो म्यूजिशियंस हैं या सिंगर हैं उनको एक चाहिए कि कोई उन्हें रिकग्नाइज़ करे। और मैं आज जावेद अली के साथ एक ही फ्लाइट में आ रही थी तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारे भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है, ट्रांसपेरेंसी है और सब लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं। सो आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ जूरी। वुमेंस डे जो है वो हर दिन मनाना चाहिए और वैसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर लोग कहते हैं कि आज वुमेंस डे है, जैसे मदर्स डे होता है, वैलेंटाइन डे होता है, अगर आप वुमेन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वुमेन जो है वो क्रिएटर है, वो माँ भी है, वो प्रेमिका भी है, वो हर फील्ड में आप देखिए भारतवर्ष में खिलाड़ी भी है। तो आई सैल्यूट टू ऑल द वुमेन, स्पेशली रेडियो मिर्ची की यंग सिंगर्स जो आगे इतना कुछ लता जी जैसी हमारी भारतवर्ष की कोकिला कर गई हैं, उनको फॉलो करेंगी। ओके, थैंक यू।